ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ कि ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੰਦੋਤਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ और ये ਅਸੀਂ हर साल ਚੀੜੀ ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਅਵਸਰ ਉੱਪਰ ਜਿਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ मैं कोई बंदा आखी है पे नहीं प्रणाम जी सबको। आपके अपने YouTube चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है आज है गुरु पूर्णिमा और आज हम आए हैं अपने देवी देवताओं के यहाँ पे दर्शन के लिए। और जैसे आप देख सकते हैं पीछे काफी सारी भीड़ है और ये पीछे अपना देवी देवताओं का जो मंदिर है वो अभी थोड़ा सा इसका काम चल रहा है, कुछ सालों में इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। जिनको ये नहीं पता कि आज गुरु पूर्णिमा होती क्या है, ये आज होता है जिसमें क्या होता है कि हमें जो भी अपने देवी देवता हैं वहाँ पे पूर्णिमा वो साल में एक बार ही आती है और एक बार ही हम यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। उनको अच्छी तरह से पूजा जाता है और उनको जो भी है प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। सो आपको ले चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर। सो अपने शूज वगैरह यहाँ पे खोल लेते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी खाना खा रहे हैं। यहाँ पे सभी को एक ही सामान रखा जाता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उनको बैठ के ही खाना खिलाया जाता है। सो अभी यहाँ पे जो लोग हैं वो खाना खा रहे हैं, तो चलो सीधा आप अंदर लेके चलते हैं। और यहाँ पे हवन भी किया जाता है सुबह और बड़े बड़े बुजुर्ग हैं वो यहाँ पे पूजा करते हैं। और चलो चलते हैं फिर सीधा अंदर। यह आ गया हमारा मंदिर, यह आ गए हमारे देवी देवता जिनकी यहाँ पे पूजा की जाती है। ये आगे पंडित जी जो हर साल यहाँ पे इनकी पूजा करते हैं और हमें यहाँ पे प्रसाद देते हैं, खा लेते हैं। ये क्या हो प्रभु। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी को खाना खिलाया जा रहा है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है ये त्योहार। इस साल में एक बार ही मनाया जाता है, सभी लोग हैं वो बैठ कर ही खाना खाते हैं। यहाँ पे जो खाना है वो पत्तल में खिलाया जाता है, बिल्कुल देसी तरीके से यहाँ पे खाना खिलाया जाता है बैठकर। सो आपको दिखाएंगे क्या क्या बनाया हुआ है यहाँ पे। खाने में रश कम है क्योंकि जो काफ़ी लोग हैं वो पहले आ चुके हैं, हम थोड़े से लेट हो गए थे उस वजह से वो जा चुके हैं। तुसी दिखा रहे हो कि साढ़े जिन्ना भी अंदोत्रा बिरादरी सारे लोग जिहड़े ने इत्थे इकट्ठे होए ने और ये असी हर साल चीड़ी पुन्निया के अवसर उपर जिसी कि असी बुआ झिड़ी पूर्णिमा बोलने हैं उदे अवसर पर असं अं अपनी मेल का आयोजन करने हैं। तो और सारी संगत साड़ी अंदोत्रा बिरादरी की अज जी इतने इकट्ठी हुई है और तुसी दिखा दे कि जियां से ये अपने देवता की एक जगह जी पहले बड़ी निकी जी जगह ही और हूँ असें जड़ा थोड़ा इसी बड़ा कराने असी यदा मंदिर बनाया और एक हाल बनाए दा है। और मैं इस चैनल के थ्रू सारे की जिन्हें भी साढ़े बिरादरी के लोग ने अंदोत्रा बिरादरी के लोग ने जोड़े बाहर रेंदे जिन्हें की नहीं पता और उनके अगे निवेदन करना, उन्हें उनके अगे अपील करना कि वो हर साल झिड़ी पूर्णिमा जड़ी कि नवंबर महीने चाहती है वो इत्थे शहर कठुआ च इलाका लक्कड़ संधा एरिया इत्थे आइए गैदरिंग करन ताकि साडा जिहड़ा है बरादरी का मेल जोल और तालमेल बढ़े और बनता रहे। सो गाइस तो ये अपनी डिश आ गई पहली, दूध और चावल से बनी हुई खीर, देखने में बड़ी टेस्टी सी लग रही है। ये आ गई अपनी दूसरी पेशकश जिसे अंबल भी कहते हैं देसी भाषा डोगरी में, जो कि पम्पकिन से बनाई जाती है और देख सकते हैं इसको गर्मा गर्म। यह आ गई अपनी अगली सब्जी, यह आ गई आलू की सब्जी और साथ में ये दो बड़े बर्तन हैं जिसमें माँ की दाल और चने की दाल बनाई गई है और सामने चल रहे हैं। तो ये आ गई अपना पत्तल और अपना खाना पोसा जाएगा। सो गैस तो आ गई अपनी सब्जी पहली, गाइस तो हमने खाना वगैरह अपना सारा कंप्लीट कर लिया हुआ है
और अब हम खाने लगे हैं खीर, क्योंकि जो कि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। सो दूध की बनी हुई खीर है, चलो इसको खाते हैं। बस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है, मज़ा आ गया। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि किस तरह हमारी जो देवी देवताओं हैं उनकी जो पूजा की जाती है आज के दिन, और अब देख सकते हैं कि अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो इसी के साथ ब्लॉग करते हैं ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके।